स्टूडेंट्स हाँ यार देखो ये पॉइंट अभी इनकम्प्लीट था, जब लिंक एक्सपायर कर गया था तो न्यू आपको लिंक दिया गया है, इसको ध्यान से देखो, इसको पूरा कर रहे हैं हम। R इज इक्वल टू रो ए स्क्वायर इंटू यम अपान डी, रो यम अपान ए स्क्वायर मल्टीप्लाई वन अपान डी एंड बी कैन पुट द वैल्यू ऑफ डी, सॉरी रो यम अपान डी मल्टीप्लाई वन अपान ए स्क्वायर एंड ए मीन्स एरिया ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ द वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बिकॉज द शेप ऑफ द एरिया इज सिलेंडर एंड द बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, सो बी कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो रो यम अपान डी एंड बी कैन पुट द वैल्यू ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड स्क्वायर बिकॉज द एरिया इज स्क्वायर, यानी एरिया का स्क्वायर है इसलिए एरिया के वैल्यू को जगह पर हमने पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया और इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। रो यम अपान डी पाई स्क्वायर आर के पावर फोर, रो यम अपान डी पाई स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन अपान आर के पावर फोर। तो ये है रेडियस ऑफ वायर एंड रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन। चलो फर्स्ट कंडीशन में हमने मान लेते हैं कि जब वायर का रेडियस आर है तो उसका रेजिस्टेंस हम आर वन सपोज कर लेते हैं, तो आर वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपान आर के पावर फोर। सेकेंड कंडीशन, वेन रेडियस ऑफ वायर इंक्रीज एन टाइम्स, तो इस कंडीशन में हमने रेजिस्टेंस आर टू सपोज कर लिया, तो आर टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपान एन आर के पावर फोर, क्योंकि हमने रेडियस को एन आर इंक्रीज कर दिया है, तो एन आर के पावर फोर। सिंप्लीफाई करने पर आर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपान एन के पावर फोर आर के पावर फोर डिवाइडेड बाई आर टू अपान आर वन एंड आफ्टर डिवीजन डिवाइडेड बी कैन गेट आर टू इज इक्वल टू वन अपान एन के पावर फोर इंटू आर वन। इसका मतलब कि रेडियस ऑफ वायर को n टाइम्स इंक्रीज करने पर न्यू वायर का रेजिस्टेंस 1 अपान n के पावर 4 टाइम्स चेंज हो जाएगा। समझ में आया? ओके सर, वो सेकंड केस एक बार और बता दीजिए जो दिख नहीं रहा है। हमने ये बताया कि अगर किसी वायर का रेडियस अगर n टाइम्स हम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो जो नया वायर होगा उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम सीधे इस फार्मूले पर से देखेंगे हम, तो जो नया वायर का रेजिस्टेंस है वो पहले रेजिस्टेंस का 1 अपान n के पावर 4 हो जा रहा है। एग्जांपल आप देख लो, मान लेते हैं कि कोई आपका वायर है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, हमने उस वायर के रेडियस को क्या कर दिया, सीधे 2 टाइम्स यानी 2 सेंटीमीटर कर दिया, यानी रेडियस ऑफ वायर हमने डबल इंक्रीज कर दिया, तो हम n की जगह 2 वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 का वैल्यू पुट करने पर 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 का वैल्यू 16। इसका मतलब कि जो नया वायर होगा वो पहले वाले वायर का 1 अपान 16 टाइम्स होगा। एन की जगह क्या रखेंगे हम, 2 रखेंगे, क्योंकि रेडियस को हमने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर हम रेडियस को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो नया वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इस फार्मूला में एन की जगह हम 2 वैल्यू पुट करेंगे और 1 अपान 2 के पावर 4 का मतलब कि 1 अपान 16, यानी नया वायर का रेजिस्टेंस पहले वायर का 1 अपान 16 टाइम्स होगा। तो इस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टुमारो। एक्सक्यूज मी सर, सर तो चले गए।